जय हिंद दोस्तों, स्टडी सफलता के इस एपिसोड पे आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग से अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को पुनः कोर्ट ने जेल भेज दिया है। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे खिलाफ ईडी को कुछ भी मिला ही नहीं। ईडी ने बहुत एक लंबा सारा पत्र लिख करके कहा मुझे माफ कर दीजिए, ये संजय सिंह का स्टेटमेंट था। यही संजय सिंह पत्रकारों के बीच कह रहे थे, हमने ईडी के ऊपर केस भी कर दिया है। और यही इन्हीं के गुरु केजरीवाल साहब कह रहे थे कि संजय सिंह के नाम से ईडी की पेंट ही गीली हो गई। यही संजय सिंह इस समय जेल के अंदर है, महीने भर होने वाले हैं और वो गिरगिरा रहे हैं जेल के अंदर। आखिर क्यों गिरगिरा रहे हैं संजय सिंह, इसके बारे में आम आदमी पार्टी वालों के पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि कुछ भी मिला नहीं संजय सिंह के खिलाफ। अगर कुछ मिला नहीं तो कोर्ट जेल में संजय सिंह को रख करके सेवाएं क्यों कर रही है? इसके बारे में भी बिल्कुल आम आदमी पार्टी को साफ करना चाहिए बातें। लेकिन इस केस के भीतर हुआ क्या है, वो सबसे बड़ी बात है। जब पिछली बार 15-16 किताबें जब संजय सिंह मांगी थी, आम आदमी पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करते हुए ये कह रहे थे कि संजय सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं, वो छूट जाएंगे, तभी इस बात का अंदेशा हो गया था कि जब अगर 15 किताबें मांगी है तो 7 दिन में तो 15 किताबें पढ़ नहीं पाएगी। यानी उसको पता है कि हम गए लंबे लंबे चक्कर में अंदर, कि मैं छूटने वाला नहीं, ऐसा संजय सिंह को आभास पहले से था। लेकिन देखिए, कोर्ट के इतिहास में भी कुछ चीजें बहुत आश्चर्यजनक हो जाता है। ये जब जब जाता है कोर्ट में जमानत मांगने, हर 15-7वें दिन हाजिरी वहां लगती है, तब तब जाकर के इसके जो चंगू मंगू है ना लोग, वो 50-25 लोगों को 500 रुपये में खरीद करके कोर्ट के बाहर खड़ा कर देते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, हाय हाय करने के लिए। यह भी भारत के राजनीतिक का एक गिरफ्तारी हो या फिर अन्य किसी तरह के मामले में, इस तरीके के नजरिया जो है ना कोर्ट के बाहर इस तरह से नहीं देखे होंगे आप। ये जानते हैं क्यों ऐसा हो किया जाता है? ये पूरी एक प्रक्रिया बनाने की कोशिश की जाती है कि संजय सिंह बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन संजय सिंह निर्दोष नहीं है। संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन साहब हो, ये जितने लोग जेल के अंदर है एक कोर्ट के अंदर दूसरी बात कहते हैं, इनके चंगू मंगू कोर्ट के बाहर तीसरी बात बताते हैं। और जो इनका सबसे बड़ा नेता है ना, जिसके वजह से सारे लोग जेल में, जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है ना, वो पत्रकारों के बीच जब आते हैं तो कोई और कहानी गढ़ देते हैं। रोज कहानी उनकी घूमती रहती है, ऐसे नहीं है साहब, वैसे नहीं हुआ साहब, इसको गलत तरीके से फंसा रखा है साहब, उसको गलत तरीके से जेल में डाल रखा है साहब। लेकिन कोर्ट के अंदर हुआ क्या, यह सबसे बड़ी सवाल होती है। अब संजय सिंह जब कोर्ट के अंदर जब गए तो कोर्ट ने फिर से जेल भेज दिया, एक बड़ा झटका मिला। लेकिन एक राहत भी दी, संजय सिंह कोर्ट के अंदर कहा कि साहब मुझे बीपी है, ग्लूकोमा है, शुगर है, आंख में दिक्कतें हैं, बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन साहब को बहुत सारी बीमारियां थी। अब इसको समझ में आ गया कि हमें राहत नहीं मिलने वाली है, जेल से बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं। तो वो जो 4 पॉइंट्स है, जो बिंदु है, उसके बारे में जो बताएंगे, तो ये बहाना बना रहा था। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी बीमारी है, तुम्हें तकलीफ है, तो तुम बताना, तुमको जहां इलाज कराना, पुलिस के कस्टडी में जाओगे, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन इसके बाद वहां पर किसी से मिलोगे नहीं, तुम्हारे पार्टी वाले जो झंडा वंडा लेकर के कोर्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं ना, हॉस्पिटल के बाहर मत खड़ा करना, नहीं तो जो प्रिविलेज दे रहा हूं ये भी छीन लूंगा, वापस ले लूंगा दोबारा, अगर किसी इस तरह का हरकत अगर हुआ तो। ये हिदायत कोर्ट देते हुए कोर्ट ने इनको ये राहत दी है संजय सिंह को। उन्होंने कहा कि साहब सब लोग डिपेंडेंट है मेरे परिवार के, मेरे ऊपर, तो इनको कोर्ट ने क्या कहा जानते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो महीने भर में 2 चेक अपने परिवार वालों के लिए तुम साइन करके दे देना, 2 चेक महीने भर के अंदर। यानी अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हारे खाते के अंदर पैसा है, तो तुम दे देना। इतनी राहत संजय सिंह को मिला है कोर्ट के द्वारा। ये राहत मिलने के लिए इस बात से लगाया जाता है कि 10 तारीख तक इनको जेल भेज दिया गया और दोबारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने इसी संजय सिंह से पूछा था, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या तुम शामिल होना चाहते हो? संजय सिंह ने कहा कि नहीं मिलोट, मैं कोर्ट के अंदर ही सुनवाई करवाऊंगा, कोर्ट के अंदर ही आना चाहूंगा। कोर्ट के अंदर आएंगे 10-5 लोग, धरना प्रदर्शन करेंगे, कुछ स्टंटबाजी करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ कोर्ट के अंदर माहौल बनेगा, देश के अंदर बहुत सारी बातें फैलेगी कि संजय सिंह कितना ईमानदार हैं। ये सारी नई कहानी जो है कपिल सिंबल साहब काफी संजय सिंह के मामले में काफी ढाका ढाकर वकील हुए दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारी किया ईडी ने, वो गिरफ्तारी की कानून के मुताबिक नहीं,
इस बात को समझिए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि गिरफ्तारी एकदम सही हुई है, प्रथम दृश्य ट्रांसपेरेंसी है, पूरी पूरी साफ दिखाई दे रही है इसके भीतर, इसलिए भी ये केस एडमिट करने लायक नहीं है, सुनवाई करने लायक नहीं है, गिरफ्तारी जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया, ये केस सुनवाई करने योग्य ही नहीं है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि इस पर सुनवाई करने योग्य नहीं है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राउत रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां से जमानत नहीं मिली। लेकिन इस केस के भीतर एक और नया ट्विस्ट आ गया, अब सबूत ईडी ने क्या दिया, ईडी के पास कह रहे थे कुछ है ही नहीं, और ईडी के पास अगर कुछ नहीं है तो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट छोड़ क्यों नहीं रहा, ये मत बताओ ना आम आदमी पार्टी वालों। इससे पता चलता है ईडी के पास इन लोगों के खिलाफ बहुत सारा एविडेंस है, कोर्ट इस बात को जान रहा है, इसीलिए कोर्ट इनकी जमानत ही नहीं दे रही है। लेकिन जो चार बिंदुए हैं, जो आरोप है इनके ऊपर, वो कितना महत्वपूर्ण है। पहला जो आरोप होता है कि अरोड़ा साहब ने दिल्ली के व्यापारियों से, जो है व्यापार चलाने वाले शराब का धंधा करने वाले लोगों से 82 लाख रुपए संजय सिंह के कहने के ऊपर उड़ा करके दिया, जो आम आदमी पार्टी के खाते के अंदर आया। इसके अलावा दूसरा 32 लाख का तो एक चेक दिया गया संजय सिंह के घर पे सिसोदिया साहब को पार्टी फंड के अंदर जमा करने के लिए। अब जो 32 लाख का चेक दिया गया ना दिनेश अरोड़ा ने, दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह है, दोनों बात को आप समझिए, यानी पैसा देने वाला कह रहा है कि चेक चेक करके हमने इनको पैसा दिया है। यदि आप 82 लाख रुपया डिनाई कर जाएंगे, आप 2 करोड़ 3 करोड़ जो कैश मिला उसको डिनाई कर जाइएगा, सबको भूल जाइए, लेकिन जो 32 लाख रुपए का चेक के थ्रू दिया गया वो तो इसी के खाते, किसी न किसी के खाते में गया होगा, किसने दिया किसके खाते में गया उसके तो जवाब देना ही पड़ेगा ना कोर्ट के अंदर। तीसरा यहाँ पे बिंदु क्या होता है कि 2-2 करोड़ के खेप में दो बार जो है संजय सिंह के घर पैसा देना था, जिसके अंदर 3 करोड़ रुपए दिए जा चुके, और संजय सिंह के घर पे एक डिबेट जो एक जो 2014 से एक चला उसने पैसा रिसीव किया है, व्हाट्सएप पर इसका रिकॉर्ड है। यह कह रहा है दिनेश अरोड़ा, इसको कंफर्म कर रहा है कि पैसे पहुंच गए, ये कह रहा है नहीं पहुंचे, नहीं कह रहा कि वहां आपका चेला रिसीव कर चुका, फिर ये कहता है कि नहीं पहुंच गया, यानी पैसा आया पैसा पहुंच गया। इसके भी व्हाट्सएप के जो प्रूफ है, सीडीआर रिपोर्ट भी है कि उस समय संजय सिंह के घर के ऊपर जिस समय दिनेश अरोड़ा ये कह रहे थे पैसे दिए गए, कौन कौन गया था वहां, कौन कौन वहां अवेलेबल था, मीटिंग के दौरान सारी चीजों की बात ही छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे संजय सिंह का यही चेला जो त्यागी है, जो दागी है, जो दिनेश अरोड़ा के कंपनी में 20% का शेयर होल्डर है, जिसको संजय सिंह ये कहते हैं कि बहुत गरीब था हम अपने पास लाए, इन बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो आप, आओ तुम्हारे अंदर ईडी के अंदर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके देख लो, पोस्टर लगा देते हैं कि संजय सिंह के घर में ईडी का स्वागत है, ऐसा पोस्टर लगाए थे संजय सिंह, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे। जो विवेक त्यागी गरीब था, जिसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, कोई हैसियत ही नहीं थी, वो दिनेश अरोड़ा के कंपनी के अंदर 20% का पार्टनर कैसे बन गया, इसके बारे भी जवाब नहीं, इसके बारे में भी कोई कहने को तैयार नहीं। लेकिन बहसबाजी बकवास जितनी करनी है ना ये कर ले, सारी चीजें सारी प्रक्रिया जब हो रही है सारी बातें कर ही रही है। अब जो सबसे बड़ी बात है, सिसोदिया साहब को बाहर आने का समय आ रहा है, मनीष सिसोदिया के उसके मामले में चार्जशीटें दाखिल हो गई, सारी चीजें दाखिल हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक जमानत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फैसला रिजर्व रख दिया है। अब जमानत कब मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात तो भिखर बाद की बात है, लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में आप मनीष सिसोदिया की जमानत लगभग मिल जानी चाहिए, क्योंकि चार्जशीटें जो दाखिल कर दी गई है, साल भर के आसपास होने वाले हैं लगभग मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, मनीष सिसोदिया बाहर आएगा लेकिन संजय सिंह के बाहर आने की गुंजाइश बहुत कम दिखती है। अब इनके जो गुरु साहब है ना, अब उनके अंदर जाने की बारी, आम आदमी पार्टी के अंदर इस